और चलिए अब बात करते हैं कोयलांचल की, धनबाद की, कि यहाँ पर किस तरह की चुनावी जंग देखने को मिल रही है, कौन पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ सकती है, उम्मीदवार कौन हो सकती हैं और किस तरह की जंग हो रही है। क्योंकि इस बार जो एनडीए का परिवार है वो थोड़ा बड़ा होता हुआ नजर आया है। पहले झारखंड में एनडीए, आजसू और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार जदयू की भी दावेदारी है, इस बार एलजेपी की भी दावेदारी है, इस बार हम की भी दावेदारी है और आजसू तो है ही। तो ऐसे में अब एनडीए का कुनबा जो बड़ा हुआ है राज्य में और सभी अपनी दावेदारी चुनाव को लेकर कर रहे हैं, तो किस तरह अब सीटों का बंटवारा होगा, उसमें कोयलांचल की कौन कौन सी सीट किसके खाते में जा सकती हैं। इधर जेएमएम भी जो अपनी सीट है और कांग्रेस की जो सीट है इसे बचाने की कोशिश में लगी हुई है। तो राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस दिलचस्प जंग के बारे में उनसे समझते हैं। राजकुमार, फिलहाल कोयलांचल में दावेदारी अब एलजेपी आर की नजर आ रही है, उसके बाद यहाँ की जंग कितनी दिलचस्प नजर आ रही है? देखिए आसिया, जिस तरह से धनबाद कोयलांचल की राजनीति की अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आज आगमन होना है। वो केंद्र में खाद्य सुरक्षा प्रसंस्करण मंत्री भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो एनडीए का जो कुनबा है, सही मायने में धनबाद ही नहीं पूरे झारखंड के लिए और पूरे देश में इन दिनों बढ़ा हुआ है और उसमें एलजेपी है। और अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो पूर्व में जो अभी तक बयान आया है, जो भी झारखंड के प्रभारी हैं शिवराज सिंह का या फिर हेमंत विश्व शर्मा का, जदयू के साथ साथ उन्होंने आजसू और जदयू के साथ में चुनाव लड़ने की बात स्वीकार की है। लेकिन एलजेपी भी कहीं ना कहीं धनबाद में बहुत लंबे समय से राजनीति करती आई है, रामविलास पासवान की कई दफा कर्मभूमि भी धनबाद रही है, कई जगहों पर वो सभा करते आए हैं, कई जगहों पर उनका आना होता था। तो चिराग पासवान भी पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान वो नजर आए थे धनबाद में, उन्होंने सभा की थी और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने सभा की थी एनडीए के पक्ष में। तो अब समस्या ये है कि इस बार एनडीए में सीट की दावेदारी को लेकर के, क्योंकि मात्र 81 विधानसभा सीट है यहाँ पर, और ऐसे में एनडीए कौन सा सीट एलजेपी के लिए छोड़ेगी। हालांकि एलजेपी का जो दावा है वो धनबाद सीट पर, जो कि भाजपा का यहाँ पर विनिंग सीट है, भाजपा यहाँ से हमेशा से कहा जाए तो एक तरह से अपना कब्जा बरकरार रखने का प्रयास करती आई है और लंबे समय से भाजपा ही यहाँ पर चुनाव लड़ती आ रही है। तो धनबाद के अलावे धनबाद के जो अन्य 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, अगर हम निरसा की बात कर लें तो निरसा में भी भाजपा के विधायक हैं, टुंडी अगर चले जाए तो टुंडी में आजसू के समर्थन से वहां पे चुनाव जो लड़ने का काम है भाजपा करती है। पूर्व में आजसू के विधायक राजकिशोर महतो रहे हैं जो अब दिवंगत हो चुके हैं, इससे पहले भी भाजपा के सीट के रूप में इसे देखा जाता रहा है। भाजपा से ही राजकिशोर महतो भी पहले चुनाव लड़ चुके हैं और टुंडी के विधायक रह चुके हैं। बागमारा की बात कर लें तो विधायक ढूलू महतो हुआ करते थे जो अब सांसद बन चुके हैं। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े झरिया की ओर, तो झरिया जो है वो भाजपा का जो है कहा जाए तो एक समय में गढ़ हुआ करता था, लेकिन पिछली बार यह चुनाव सीट भाजपा के हाथ से निकल गई और कांग्रेस की झोली में चली गई। और अब धनबाद विधानसभा में आते हैं और सिंदरी की अगर हम बात करें तो सिंदरी में भी कहीं ना कहीं लोजपा जो है वो कहीं कहीं पे मजबूत है जाति समीकरण की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो, लेकिन यह भी सीट जो है भाजपा के खाते में फिलहाल। रामविलास पासवान के बाद जिस तरह से चिराग पासवान ने उनके पार्टी को संभाला है और चाचा भतीजा में युद्ध होने के बाद में, युद्ध नहीं कहेंगे मनमुटाव होने के बाद में, मजबूती के साथ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान उभरे हैं और अब चिराग पासवान केंद्र में मंत्री भी हैं और ऐसे में उनका जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन अगर धनबाद सीट पर राजकुमार चिराग दावा कर रहे हैं तो क्या ये सीट बीजेपी के लिए छोड़ना इतना आसान है? देखिए एक तरह से कहें तो ये परंपरागत सीट बीजेपी की अब हो गई है, क्या वो चिराग पासवान के लिए एलजेपी आर के लिए सीट तोड़ने को छोड़ने को तैयार होगी? देखिए यह जो जन आक्रोश रैली है भले एनडीए के पक्ष में है, लोजपा की रैली है, लेकिन एनडीए को आंख दिखाने के लिए ये रैली जरूर है। दावा किया जाएगा जिन जिन सीटों पर इनके जो उम्मीदवार हैं, जो संभावित उम्मीदवार हैं, जिन लोगों ने तैयारी की है, लेकिन इतना जरूर है कि 2 से 3 सीट पर, कम से कम 5 सीट पर इनका दावा होगा और 2 से 3 सीट मांगने की कोशिश जरूर होगी। और अगर नहीं मिलता है तो लास्ट में अकेले चुनाव लड़ने की भी घोषणा एलजेपी कर सकती है झारखंड में और इसका नुकसान जो है वो भाजपा को उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम धनबाद सीट के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भाजपा किसी भी सूरत में धनबाद सीट को छोड़ना नहीं चाहेगी, क्योंकि धनबाद में भाजपा जितना मजबूत है उतना
इस एनडीए गठबंधन में दूसरी कोई पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जो कि धनबाद से चुनाव जीतने का क्षमता रखती हो। राजकुमार, हेमंत सोरेन भी जोर लगा रहे हैं कि जो सीटें कोयलांचल में जेएमएम के खाते में है या यू कहें इंडी फोल्डर में जो सीटें हैं वो बची रहे और उन सीटों में इजाफा हो। और देखिए गठबंधन में जो सीटें अभी, अगर हम जेएमएम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, तो अभी टुंडी सीट जो है विनिंग सीट है जेएमएम के लिए। इसके अलावा बाघमारा में कांग्रेस का सीट होते हुए भी बागवाना में रतिलाल टुड्डू और कई अन्य दावेदार ऐसे हैं, अजीमुल हैं, वो दोनों लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं चुनाव की, और अगर उन्हें जामुमो उतारती है तो निश्चित तौर पर अच्छा मुकाबला जो है वह देखने को मिल सकता है। जलेश्वर महतो भी लगातार मुकाबले में रहे हैं, पिछली बार महज कुछ 100 वोटों से वो हारे थे और बाद में उन्होंने रिकाउंटिंग के लिए कहीं ना कहीं आवेदन भी किया था, लेकिन रिकाउंटिंग किसी कारणवश अब तक नहीं हो पाई है। यह मामला अभी भी कानून के दायरे में है, कोर्ट में है, चल रहा है, और संभव था कि कांग्रेस या जेएमएम जिसके हाथ में यह सीट जाएगी कड़ी प्रतिस्पर्धा होने वाली है। इसके साथ अगर हम सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की बात कर लें तो सिंदरी में जेएमएम ने अपना कैंडिडेट दिया था पिछली दफा, और इस बार भी जेएमएम का दावा होगा। जेएमएम से मन्नू आलम जो है वो यहाँ से सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में जेएमएम की तरफ से दिख रहे हैं। इसके अलावा कई अन्य दावेदार भी हैं, और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी चाहेगी कि वो सिंदरी से चुनाव लड़े, लेकिन झरिया एक ऐसा विधानसभा सीट है जहां पर कि कांग्रेस ही दावा कर सकती है, किसी और को यह सीट जो है अभी फिलहाल जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि वहां से पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक है। और साथ ही हम आपको एक चीज और बता दें कि जयराम फैक्टर भी इस बार के चुनाव में देखने को मिलेगा। कई जगहों पर जेएमएम का काम बिगाड़ने का काम जो है जयराम की जो पार्टी है जेएलकेएम वो करेगी, और इसका नुकसान जो है जेएमएम को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कई जगहों पर जिस तरह से जयराम की जो पार्टी है वो हमलावर है, जयराम खुद हमलावर है, और पिछले दिनों जब जयराम ने धनबाद में सभा की थी तो उन्होंने कहा था कि वो हर एक विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार देने जा रहे हैं, और जो भी सेंटीमेंट है युवाओं का जयराम के साथ है, एक महत्व बहुल जो इलाका है वो जयराम के साथ है, और जो महत्व बहुल वोटर है, जो कुर्मी वोटर है वो इस बार आंसू से खिसक कर जयराम की ओर जा सकते हैं, इस बात से भी इनकार करना मुश्किल है। तो जयराम फैक्टर इस बार कहीं ना कहीं चुनाव को बहुत हद तक प्रभावित करने वाला है, और कई सीटों पर इंडिया गठबंधन की हार का कारण जयराम की जो पार्टी है वो बन सकती है। जी आसिया, चलिए शुक्रिया राजकुमार उस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जयराम फैक्टर भी झारखंड में इस बार काम करेगा, और वो किसे डैमेज करेगा ये देखना भी काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि आजसू के पास भी वही वोटर हैं जो जयराम के वोटर होंगे, और कई ऐसी सीटें हैं जेएमएम की जहां पर महतो वोटर